कभी वीडियो ऑन करो जी, कभी कूट देंगे पकड़ के। तो रेशियो होता क्या चीज है सर? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंपरीजन, शांति से सुनते चलना समझ में आ जाएगा। रेशियो में हम लोग क्या करेंगे सर, कंपरीजन करेंगे। किसको कंपरीजन करेंगे सर? तो कोई भी दो गो क्वांटिटी को कंपरीजन करोगे। जैसे बाबू मान लो कि मेरा एज अभी कितना है, 30 साल है, मान लो हम अभी 30 साल के हैं, और आपके पापा आपके दादाजी का एज 60 साल का है ना, 30 ईयर्स हो गया है ना बाबू, और आपके दादाजी का एज हो गया 60 ईयर्स, नहीं हो सकता है ना सर? तो कहेगा बाबू है ना, बाबू है ना कि कितना टाइम से ज्यादा है, कहेगा वो मेरा एज आपके दादाजी से कितना टाइम से ज्यादा है। मतलब रेशियो मतलब क्या होता है, कंपेरिजन, दो गो क्वांटिटी को क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे है ना, कितना गुना ज्यादा है। जैसे मान लो हम 5 फीट का है और आपके बाबू को है ना वो चाचा जी 15 फीट के हैं, है ना, तो हमारे से आपके चाचा जी कितना गुना ज्यादा है, तो 3 टाइम्स बस ज्यादा तो है ना। तो वही होता है रेशियो मतलब क्या होता है बाबू, दो क्वांटिटी का बराबर कंपेरिजन। अब शांति सुनते चलो, रेशियो का मतलब होता क्या है, दो क्वांटिटी का कंपेरिजन होता है। अब क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है ना आपका, मैंने दो क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, हाइट हो सकता है, रुपया हो सकता है, पैसा हो सकता है ना बाबू, है ना, कुछ भी हो सकता है ना, वजन वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपेरिजन कहते हैं ना। तो वही कहो, कंपेयरिंग ऑफ टू क्वांटिटीज, आपका दो क्वांटिटीज कुछ भी हो सकता है। और बाबू सेम यूनिट मतलब जब भी रेशियो ने कंपेयर करोगे तो हमेशा यूनिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे सेम यूनिट कहने का मतलब क्या सर, शांति से समझो। जैसे भोला मान लीजिए है ना, मान लो बाबू है ना कि आपके पास, भोला म्यूट करो जी, मन से पढ़ना है कान। जैसे मेरे पास बाबू है ना 10 गाऊ है, 10 काऊ है, और आपके पास बाबू मान लो बाबू 5 क्या बाबू ऑक्स है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम को यूनिट नहीं है आपका, जब भी कंपेयर करो तो यूनिट मस्ट बी सेम। यहाँ पे गाय है, यहाँ पे बैल है, तो गाय बैल को कभी कंपेयर नहीं करोगे, ऐसा नहीं करेंगे बाबू। 10 काऊ और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 5 काऊ है ना, 5 ऑक्स। जब भी बाबू अगर दो क्वांटिटी को कंपेयर करना है तो यूनिट मस्ट बी सेम है ना, मस्ट बी सेम। जब भी जैसे मेरे पास 10 गाय और और काऊ आपके का पास कितना गाय, आपके पास कितना गाय, प्रोजन ए हाला नहीं, आपके पास 5 गाय, तब आप कंपेयर कर सकते हो। कैसे करोगे बता रहे, कैसे करोगे, आपके पास 10 गाय, मेरे पास 10 गाय, आपके पास 5 गाय है ना, तो देखो दोनों यूनिट क्या है, सेम है ना, दोनों क्या है, सेम सेम है, तब यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो है ना। जब भी किसी भी चीज को कंपेयर करोगे तो यूनिट मस्ट बी सेम। जैसे मान लो आपका वजन हो गया भोला कितना केजी है ना, मान लो आप खुद 20 केजी का है ना ठीक, और मेरा और किसी का वजन है बाबू के मान लो बाबू कितना है, मान लो 60 हो गया बाबू, मान लो एक बॉल है जिसका वजन हो गया 60 ग्राम, तो ये दोनों बाबू, ये दोनों क्वांटिटी को आप कंपेरिजन नहीं कर सकते हो। क्यों सर, क्योंकि एगो से 20 ग्राम किलोग्राम है, एगो 60 ग्राम है, तो यूनिट सेम नहीं ना है, तो यहाँ पे कंपेरिजन नहीं कर सकते, कंपेरिजन नहीं कर सकते। या कभी शैतान वीडियो ऑन करो जी, कभी इसको तो क्या करते, कौन करो जी, रौनक बाबू ऑन कीजिए, ठीक, सर दिखा रही और नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। रोशनी ऑन करो बाबू, रोशनी, अरे बाबू मोबाइल घुमाइए। तो सर जब भी दिखा हम लोग रही और बैंड योर नेटवर्क बैंडविड्थ इज अच्छा, लो। मैं जब भी हम लोग दो क्वांटिटी को कंपेरिजन करोगे तो उसका यूनिट सेम होना चाहिए। अगर किलोग्राम है तो किलोग्राम, मान लो एज है तो एज, गाय है तो गाय, भैंस है तो भैंस, बैल है तो बैल है ना, मतलब यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए है ना। तो उसी दो क्वांटिटी को आप लोग क्या करोगे, कंपेरिजन करोगे, और उसी कंपेरिजन को हम लोग क्या कहेंगे सर, रेशियो कहेंगे है ना। तो अब कंपेरिजन कैसे करेंगे सर, तो कंपेरिजन ऐसे करते हैं ना, कैसे करेंगे सर, वही आपको सीखना है। जैसे मान लो भोला मेरा, जैसे हमारे पास मान लो बाबू 1000 रुपया है ना, और आपके पास बाबू मान लो 5000 रुपया, तो कहेगा बाबू आपके पास कितना रुपया ज्यादा है ना, तो कितना ज्यादा, कितना गुना ज्यादा। तो ये जो मल्टीपल्स टाइम से होता है ना, इसी को क्या कहते हो, रेशियो कहते हैं। जैसे भोला मान लो राम है कितना बाबू, राम है तो राम के पास 1000 रुपया, हाँ सर। अब मान लो राम का भाई श्याम है ना, क्या है, श्याम है, तो श्याम के पास नहीं कितना सर, बाबू, राम के भाई का नाम है लक्ष्मण। अच्छा ठीक है, ये राम के भाई श्याम है, इसके पास है 5000 रुपया है ना। अगर मान लो भोला यहाँ पे कहे बाबू श्याम के पांच है ना, 5000 पैसा है भोला है ना, हिंदी लिखा रहा है जी शैतान, श्याम के पास क्या बाबू 5000 पैसे हैं, और राम के पास क्या बाबू 1000 रुपया। तो ये दोनों को कंपेरिजन करोगे, नहीं कर सकते हैं, काहे नहीं कर यून शांत सकते सर, 50 रुपीज रहो, नहीं बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, यूनिट मस्ट बी सेम है ना, यहाँ पे एगो रुपया है एगो पैसा है, तो हम लोग रुपया पैसा को वी कंपेरिजन नहीं विल मेक करेंगे। इट सेम।
अच्छा ठीक है, बता रहे हैं आगे, जब भी कंपेरिजन करेंगे तो यूनिट सेम होना चाहिए। तो ये पैसा है तो इसको रुपया कन्वर्ट कर दो, और नहीं तो ये रुपया है तो इसको पैसा में कन्वर्ट कर दो, तब कंपेरिजन करना। ठीक, तो यही कहता है, जब भी बाबू कंपेरिजन करोगे तो आपको क्या होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक, तो मान लो श्याम के पास कितना है, 5,000 रुपया हो गया। अब कहेगा सर कंपेरिजन कैसे करेंगे, है ना, तो कहेगा राम के श्याम के पास कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा बाबू उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे हम लोग मान लो आपको क्या इसका निकालना है, श्याम निकालना, श्याम का मनी, और डिवाइडेड बाय कैसे करेंगे, फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे डिवाइडेड कर देंगे, है ना, डिवाइडेड बाय राम। तो श्याम के पास 5,000 रुपया, 5,000, और राम के पास 1,000 रुपया, कितना 1,000 रुपया। तो इसको काट दो, 0,0 कट गया तो कितना आपका हो गया, 5 हो गया, मतलब 5 टाइम्स कितना, ये कंपेरिजन हो गया ना, आप शांति से यहाँ समझना है, कंपेरिजन हो गया तो कितना आ गया, 5 आ गया, है ना। मतलब क्या सर, ये जो आए बाबू कितना गुना आ गया, जो बाबू है ना 5 टाइम्स ज्यादा आ रहा, मतलब बाबू जो राम के पास मनी है बाबू, है ना बाबू, और श्याम के पास है, तो श्याम का मनी कितना आ रहा है सर, 5 टाइम्स ज्यादा आ रहा है, किससे, राम से, किससे, राम से, ऊपर में श्याम है ना, तो श्याम का 5 है, मतलब श्याम के पास जो मनी बाबू कितना, 5 टाइम्स ज्यादा है राम से। ठीक, तो इसी को रेशियो कहते हैं। रेशियो क्या होता है, दो क्वांटिटीज का कंपेरिजन होता है, कौन कितना गुना ज्यादा है ना, कौन कितना गुना कम है, कितना टाइम्स कम है, कौन कितना टाइम्स ज्यादा है। दो क्वांटिटी का कंपेरिजन आप दो तरह से कर सकते हो, जैसे मान लो बाबू 5,000 रुपया है और एगो 1,000 रुपया है ना। ठीक सर, तो 5,000 और -1,000 कितना हो गया, 4,000, तो ये भी कंपेरिजन ही है। तो यहाँ पे क्या है, 4,000 ज्यादा है, कहेगा श्याम के पास कितना रुपया ज्यादा है, तो 4,000 रुपया ज्यादा, लेकिन कहेगा टाइम्स में कितना ज्यादा, कितना गुना ज्यादा। इसने आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट से अभी हम लोग कंपेरिजन करते हैं, तो यहाँ आएगा कि 4,000 रुपया ज्यादा, लेकिन कहेगा कितना टाइम्स ज्यादा, कितना गुना ज्यादा, कितना मल्टीपल टाइम्स ज्यादा। तो उस केस में जब भी मल्टीपल आएगा कितना टाइम्स ज्यादा है, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, रेशियो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, रेशियो यूज करेंगे, है ना, रेशियो यूज करेंगे, है ना। ठीक, तो यही आपको समझना है। ठीक बाबू, अगस्त वीडियो ऑन करो, अब आगे समझना। तो यही लिखा हुआ, रेशियो को इंडिकेट ऑन कैसे है करते, सर। रेशियो को कैसे इंडिकेट करते सर, दुगो बिंदी से, है ना, कैसे इंडिकेट करेंगे, दो बिंदी, एक बिंदी ऊपर और उसके नीचे दूसरा बिंदी, है ना। इसको पढ़ोगे कैसे सर, इज टू, क्या पढ़ोगे, इज टू, मतलब क्या सर, जैसे ए बी है तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज टू बी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ए इज टू क्या पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते चलना है ना। ठीक, क्या पढ़ेंगे, ए इज टू बी, कहीं भी बाबू जैसे टू ए थ्री लिखा लेते, इसको क्या पढ़ोगे, टू इज टू थ्री पढ़ोगे, या 2:3 भी पढ़ सकते हैं ना, 2:3 क्या पढ़ोगे, 3 पढ़ोगे, है ना। ठीक, इतना समझ में आ गया। रेशियो मेरा क्या बताता है, कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटी बताता है, दो क्वांटिटी का क्या बताता है, कंपेरिजन बताता है ना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बोला, ठीक आगे, है ना। अब जो रेशियो है भोला, वो क्या होता है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। जैसे मान लो बाबू आपका वजन भोली इस्ता है ना बाबू, मान लो 30 kg है ना। ठीक, इस्ता का वजन मैं 30 kg मान लो है रही, सच में ना, मेरा 30 kg है। है ना। अब फिफ्टी संस्कृति का वजन, संस्कृति का, फिफ्टी संस्कृति फिफ्टी मेरा मान लो, संस्कृति का केजी वजन बाबू 60 kg, 30 kg है है। ना। अरे सर, आप मेरे अच्छा अब सुन मम्मी लो, से ठीक, बंधन तो कहेगा बाबू इसको रेशियो में प्रेजेंट करो, तो कैसे लिखोगे, मान लो जिसका एज कहेगा, मान लो इस तरह का एज इससे कितना ज्यादा, तो इस तरह का एज ऊपर है उसका संस्कृति का एज, है ना बाबू, वेट, तो 30 kg/60 kg। अब इसको क्या करना, सिंपल सिंप्लीफाई कर लेना, तो केजी केजी क्या होगा, मर जाएगा, 0,0 मर गया, 3 से 2 टाइम्स में, मतलब कितना आ जाएगा, ऊपर में 1 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, वेट का रेशियो हो गया, कितना बाबू, इस्ता का वेट 1 है और संस्कृति का वेट दुगना हो गया, मतलब संस्कृति नीचे 2 आ गया ना, मतलब संस्कृति का वेट इस्ता से कितना हो गया, 2 टाइम्स ज्यादा हो गया। ठीक, और जो भी रेशियो आएगा ना बाबू वो यूनिट लेस रहेगा, जब भी रेशियो आएगा तो उसमें कोई यूनिट रहे नहीं रहे, यूनिट मतलब से क्या था, जैसे यहाँ की जो केजी था ना, यहाँ किलोग्राम किलोग्राम, रूप, यहाँ क्या था, रुपया रुपया,
तो जब डिवाइड करोगे ना तो आपका रुपया रुपया क्या होगा, कट जाएगा, किलोग्राम किलोग्राम क्या होगा, कट जाएगा। तो इसी रेशियो में जो यूनिट आएगा ना, यहाँ पे मत लिख देना किलोग्राम, है ना, यहाँ पे जो भी यूनिट आएगा, यूनिट रहबे नहीं करेगा, ना रुपया रहेगा, ना पैसा रहेगा, ना सेंटीमीटर, ना किलोग्राम, डेसीग्राम, कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ क्या रहेगा, या तो नंबर रहेगा, नहीं तो फ्रैक्शन रहेगा, या तो नंबर रहेगा यहाँ, चाहे क्या रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा। इसके साथ रुपया केजी नहीं आएगा, काहे नहीं आएगा सर, क्योंकि यहाँ केजी केजी दो क्वांटिटी है ना, सेम क्वांटिटी से कंपेयर करोगे तो ये आपस में मर जाएगा, तो मरने के बाद क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, है ना, कुछ नहीं बचेगा। तो यही यहाँ लिखा हुआ है रेशियो को, हला नहीं, रेशियो ए बाई बी है ना बाबू। तो मान लो बाबू कोई आदमी है, ए है जिसका वेट 10 kg है, और कोई बी है जिसका वेट कितना है बाबू, 12 kg है। तो कहेगा एगो आदमी ए है जो 10 kg का, एगो आदमी बी है जिसका वेट 12 kg, तो कहेगा ये दोनों का रेशियो है ना, क्या करो रेशियो, एज को रेशियो में ये करो, रिप्रेजेंट करो, है ना। आप उसका बाबू क्या, अच्छा ठीक है, हला नहीं, अच्छा हला नहीं, इसको कह रहा बाबू रेशियो में रिप्रेजेंट करो, है ना। तो आपको कहेगा कि किसका ऊपरे रखना है ना, बेट ऑफ ए बाबू क्या करा, बेट ऑफ ए इज कितना है ना, बेट ऑफ बी इज अबाउट 12 kg है ना। तो क्या कंपेयर द बेट ऑफ ए, अब देखो क्वेश्चन क्या करा, म्यूट करो जी, किसका म्यूट है बाबू, शैतान खले जो ए रोशनी वीडियो ऑन करो जी। देखो जी यहाँ पे क्या करा, कंपेयर करो, कंपेयर द बेट ऑफ ए बाबू एंड बी, ए का कंपेयर कीजिए बी से, तो ए का कंपेयर करने कह रहा है ना, तो ए का ऊपर रखेंगे और बी का क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। तो ए का बेट कितना 10, बी का वेट कितना 12, तो 12 नीचे रख दिए। अब इसको क्या करो, सिंपलीफाई करो, 10 kg/12 kg, तो इसको सिंपलीफाई करोगे बाबू तो केजी केजी मर गया, है ना। हाँ सर, केजी अब 2 से मारोगे तो ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे मारोगे 6 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, ऊपर 5 बच जाएगा, ये 6 बच गया। तो ये आपका कैसा रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना बाबू, आपका ये फॉर्म हो गया फ्रैक्शन में, 5/6 का हो गया फ्रैक्शन में। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे सर, ये लाइन को ऐसे, ये लाइन रिप्रेजेंट करो, चाहे लाइन के बदले क्या दो, रेशियो दो, तो ए रेशियो बी बराबर क्या लिख सकते हो, ये लाइन हटा के 5:6 लिख सकते हो। तो ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं, रेशियो को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ना। नेक्स्ट हाँ सकते हैं ना, शो इज इक्वल टू ए इज टू बी इज इक्वल टू फाइव। अच्छी बात चलिए है, हाँ जी, वन को देखिए, काय से तानी कर रहा जी। नेक्स्ट बाबू, सर फोकस चल वर्ड क्यों कर दिया। नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट बाबू टर्म ऑफ रेशियो, बेसिक बेसिक टर्म होता है ना, इसको सीखते चलना, है ना। जितना आप लोग मेहनत करवा लो भोली। नेक्स्ट बाबू, तो ये समझ में आ गया बाबू, रेशियो क्या होता है सर, दो क्वांटिटी का सिंपली क्या होता है, कंपैरिजन होता है। दो क्वांटिटी को हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, कैसे सर, कितना टाइम्स ज्यादा है, कितना टाइम्स कम है ना। नेक्स्ट बोला टर्म ऑफ रेशियो, है ना, सर ब्लर आ रहा है, पर अच्छा टर्म ऑफ रेशियो, लिखे नहीं पहले समझो, जैसे रेशियो में क्या बोला है ना, जैसे हम लोग रेशियो में क्या लिखा रहता है, ए रेशियो बी रहता है, यही रहता है ना जी, 3:4, जैसे क्या है 3:4 होगा, या क्या होगा 3/4 होगा, यही होगा ना जी, जैसे 3:4 है तो 3/4 है ना। तो ये जो पहले वाला रेशियो का पहले वाला नंबर होता है उसको, इसको क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। इसको जो पहले वाला नंबर होता है इसका नाम क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है। मन से पढ़ता चलना बाबू, शैतान स्वाति या सालनी, इसको क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट इसको जो नंबर होता है बाद वाले को, इसको कंसिक्वेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, कंसिक्वेंट कहते हैं, है ना, सर ये ये तो है सीखते ही नहीं चल, हमारी बुक में। सर आपके बुक में नहीं दिया होगा वो अलग बात है, लेकिन सीखते चले, है ना, ठीक। ये अच्छा ठीक है, ये तो है एंटीसीडेंट हो, जैसे 3:4 है ना, तो ये सर, जो एकदम इसको न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर की तरह। हाँ, ये 3 क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया, 3 क्या, 4 क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। तो ये जो इसको अगर इस फॉर्म में लिखोगे, भोला ए रेशियो बी है, तो इसको ए बाई बी लिखोगे ना, तो ए मेरा क्या है सर, न्यूमरेटर है, तो यही एंसीडेंट है बोला आपका, चाहे यही आपका क्या बनेगा, न्यूमरेटर बनेगा, क्या बनेगा बाबू, या क्या बनेगा, न्यूमरेटर बनेगा, समझते चलना, कुछ नहीं है। अरे मेरे शैतान, ए रेशियो बी लिखो चाहे ए बाई बी लिखो,
तो ए बाई बी लिखोगे तो ए मेरा क्या बनेगा, न्यूमरेटर बनेगा, है ना। रेशियो में होगा तो इसको क्या कहोगे, एंटीसीडेंट कहोगे, है ना। ऐसा नाम है, ए बाई बी है, तेरा न्यूमरेटर का है कहते हैं नाम है, नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहते हैं रखा गया। उसी तरह से ए है तो ए को एंटीसीडेंट कहेंगे, अब बाद वाला नंबर रहेगा जो इसको कंसिक्वेंट कहेंगे, या ये आपका क्या बनेगा, डिनोमिनेटर बनेगा, क्या बनेगा, डिनोमिनेटर बनेगा, है ना, डिनोमिनेटर बनेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। जैसे भोला कहेगा कहीं, फॉर एग्जाम्पल बाबू, है ना, 1 2 3 नंबर हो जाएगा जी, 3 नंबर। जैसे बाबू मान लो 7:4 है, तो कहेगा एंटीसीडेंट कौन सा होगा, एंटीसीडेंट कौन सा होगा, कुछ है इसमें बाबू, एंटीसीडेंट, सेवन हाँ एंटीसीडेंट 7 है, कंसिक्वेंट आपका कौन सा होगा, है फोर ना, 4 होगा, क्या होगा, 4 होगा। तो यही सब पढ़ा है बालो भोला मेरा, कॉन्सिक्वेंट। सर, ऐसा क्यों माना जाता है एंटीसीडेंट पहले ही आएगा, मतलब न्यूमरेटर पहले ही आएगा? पहले वाले को हम लोग एंटीसीडेंट सर कहते हैं, बाद वाले को ये कंसिक्वेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, कंसिक्वेंट कहते हैं। बोला नहीं जी, बी पहले भी था, म्यूट करो बाबू। बी अच्छा वाला ठीक है, पहले। सुनो शांत शांत रहे। नेक्स्ट बाबू, अगर ये पहला टर्म है ना बाबू, ये पहले है ना बाबू, तो इसको या का क्या कहोगे, फर्स्ट टर्म कहोगे, इसको आप क्या कह सकते हो, फर्स्ट टर्म कह सकते हो, पहले ना आ रहा जी। आगे बाबू प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे तो वहां पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म आएगा, है ना, चार गो आएगा प्रोपोर्शन में। तो इसको एंटीसीडेंट कहो, चाहे न्यूमरेटर कहो, चाहे ये कहो, या चाहे क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म कहेंगे। मन से पढ़ते चलना बाबू, संस्कृत या श्रेया, क्या कहेंगे इसको, बहुत फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कहेंगे। ठीक, कि दूसरा आता है इसको क्या कहेंगे, सेकेंड टर्म कहेंगे, क्या कहेंगे, सेकेंड टर्म कहेंगे, है ना, सेकेंड टर्म कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, सेकेंड टर्म कहेंगे, है ना। तो ये हो गया, है ना, तो ये सब आपको समझना है। तो इसी अब एंटीसीडेंट कहो, चाहे इसका कहेगा फर्स्ट टर्म कौन, पहले आ रहा था सर, फर्स्ट टर्म हो गया, है ना, इसको फर्स्ट हो गया, ये टर्म हो गया, समझ में आ रहा है बाबू, संस्कृति। हाँ सर, हाँ भोले, अब फिर ये कंसिक्वेंट हो गया, चाहे इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड टर्म कहेंगे, है ना, सेकेंड टर्म कहेंगे। तो सेकेंड टर्म कितना हो गया, 4 हो गया, है ना, 4 हो गया। लिखिए इतना, उसके बाद इक्विवेलेंट रेशियो बोली, समझ में आ रहा जी। अरध्या, ये अरध्या कलकत्ता, यस सर। समझते चलना आपको लक्ष्मी, थोड़ा थोड़ा बाबू बेसिक चीज है बाबू, कोई ज्यादा टफ नहीं है। सर डन संस्कृति भाई कौन क्लास में बाबू, सर, संस्कृति लिखिए, किस क्लास में संस्कृति, फोर में संस्कृत, फोर में संस्कृति, सर ये सही क्या शांत है, हो। एंटीसीडेंट और न्यूमिरेटर और फर्स्ट टर्म? हाँ तो उसको शैतान सिखाती ना जी, एडिशन वगैरह सीखती ना, आपसे ज्यादा तेज हो जाएगी ना जी, आएगा तो। सिखाती हूँ ना सर, जैसे आपने सिखा दिया, मैं उसको घर पे फिर वीडियो दिखाती हूँ, फिर देखता है। सर वैसे थोड़ी उसको पिटाई चाहिए, जल्दी लिखे जल्दी लिखे। अच्छा देखते हैं बाबू, जल्दी लिखे जल्दी लिखे जी, लिखे सुरभि। हाँ जी, सर, हाँ आप जी, वीडियो भेजते हैं तो सर एक बच्चा पढ़ता है, और सर उस वीडियो से सर कितने सारे बच्चे पढ़ लेते होंगे? बाबू ऐसा नहीं होता भोला, आजकल इतने बच्चे कहाँ सीधे बाबू की वीडियो से देख के पढ़ लेंगे बिना टीचर के। वैसे तो बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं बाबू, आप हिम्मत है तो पढ़ के दिखा लीजिए, इतना सिंसियर है बच्चा बाबू, है सर कहाँ पे, लेकिन बिना वीडियो आपके। में, सर आपके पास 500 वीडियो में डाउट नहीं पूछ सकते हैं? सर आपके हाँ पास तो बोला, 500 स्टूडेंट है भी नहीं, लेकिन सर सब्सक्राइब तो सर 1,000 है, क्योंकि अच्छा ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अच्छा मैंने हर मोबाइल सब्सक्राइब कर रखा है। सर आपको ठीक है, प्लेटिनम नहीं मिला अभी तक, कोई वो मिले वो, अभी देखो उस पे अभी हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग फोकस क्या कर रहे हैं, आप लोग सिल्वर? क्या, अरे सर, एक सर गोल्डन प्ले बटन ला दीजिए, अरे डायमंड देखो डायमंड प्ले यूट्यूब, बटन अच्छा मुझे ठीक दीजिएगा। यूट्यूब, अच्छा ठीक है यूट्यूब पे आप लोग, अभी हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं यूट्यूब पे, कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, जब वर्क करेंगे तो वहां से आएगा, अभी आप लोग के है ना वो आएगा कंसेप्ट में डायमंड वर्क प्ले होगा। बटन, आएगा।
करूंगी सर, और आपको सिल्वर प्ले बटन जितवा देंगे सर आपको। सर अच्छा डायमंड प्ले ठीक, बटन, डायमंड। पढ़ाई नहीं, पहले पढ़ाई, पहले आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पढ़ने में तेज हो जाओ सारा बच्चा, फिर सब अपने आ जाएगा। इसीलिए पहले बाबू हम लोग इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि हाँ जैसे होता है ना सारे जगह बाबू एडवर्टाइज एडवर्टाइजमेंट पे इस बात पे वो सब नहीं, पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अच्छे से पढ़ लीजिए, सारा चीज हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है इसको समझना। सर आप भी डिफाइन पूछो शाहरुख खान को पैसे। डिफाइन नहीं करेंगे है ना आपको। हाँ सर सर यूट्यूब आपको जी, पैसा देता है सर व्यूज का? नहीं बाबू अभी पैसा वैसा नहीं आता बाबू, यूट्यूब से कुछ नहीं आता अभी, यूट्यूब पे मेहनत करेंगे तो ना पैसा आएगा जी। उसमें तो सिर्फ बाबू आप लोग का जो क्लास वाला वो रॉ मटेरियल डाल दे, इसमें बढ़िया से मिक्स मसाला मिलाएंगे तब ना। अरे अभी सर आप अब हम लोग लोग सर व्यू सर 1 मिलियन व्यू का सर 108 रुपया मिलता है। अच्छा सर वहां ठीक, से है वो अच्छा ठीक, अभी एक पढ़ाई पे सौ ध्यान आठ दो सर, पढ़ाई पे ध्यान दो, हल्ला नहीं। देखो इक्विवेलेंट रेशियो किसको कहेंगे बाबू, मान लो कोई रेशियो 3/2 कितना है सर, 2 है, अब इसका कहेगा इक्विवेलेंट रेशियो निकालने का है ना। ठीक, फाइंड वैलेंट इट्स, फ्रैक्शन जैसा है क्या? हाँ हाँ वही होता है और कुछ नहीं है, फाइंड इट्स इक्विवेलेंट रेशियो। देखो क्या करना आसान है, कुछ नहीं है, आप लोग बाबू फाइंड 6/6 इट्स है ना इक्विवेलेंट रेशियो है ना। तो देखो कैसे करना बाबू, सॉल्यूशन जैसे 3/2 है, अब इसका इक्विवेलेंट निकालने कहेगा तो कुछ मत करना, अपने मन से जो भी इच्छा है ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। हाँ जैसे सर 3/, हल्ला मत कर, शांति सुनो, 3/2 3/2 है ना, तो अपने मन से जो इच्छा, हमको मन कर रहा है सर 2 से मल्टी, तो ऊपर ऊपर भी 2 से, नीचे भी 2 से, जो भी इच्छा है ना सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। वो ऐसे मत करना ऊपर 2 से या नीचे 3 से, तो नहीं इक्विवेलेंट होगा, सेम नंबर से ऊपर भी या सेम नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कर देना, तो जो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद रेशियो मिलेगा उसी को इक्विवेलेंट कहेंगे। जो 3/2 जा 6, नीचे 2/2 जा 4, तो ये 3/2 का इक्विवेलेंट क्या हो गया, 6/4। आए सर की सर हमारा मन कर रहा है दूसरा नंबर, ठीक है, जैसे 3/2 है, तेरा मन कर रहा है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, जबरदस्ती है ना, जबरदस्ती नहीं बोला, हमको मन कर रहा है सर 3 से मल्टीप्लाई करने का, तो जबरदस्ती 3 से ऊपर भी करना है और 3 से नीचे भी करना, ऐसा मत कर देना कि ऊपर 3 से नीचे 4 से, तो गलत हो जाएगा है ना। तो 3 से ऊपर भी 3 से नीचे भी, तो 3/3 जब मम्मी पढ़ाई की है ना, 2/3 जा है ना 6, 2/3 जा कितना 6, हाँ सर बात समझ में आता है सर, 3 से हमारा मन कर रहा है, क्या कर रहा है कि नहीं हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है करो कोई दिक्कत नहीं, जो मन में इच्छा है वो करो, लेकिन हाँ ऊपर नीचे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए है ना। सर तो 3/4 जा 12, हाँ जी हम 9 और 6 को सर काट भी सकते हैं ना? बता रहे बता रहे, 2/4 जा 8 है ना, हाँ सर। तो देखो बाबू ये सब को बाबू सिंपलीफाई करोगे ना तो 3/2 है, 9/6 है, काटोगे 3 से तो 3/2 ही आ जाएगा, 12/8 है, इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, मतलब ये सब जो है ना जी, हाँ सर ये इक्विवेलेंट रेशियो है, क्या कर इक्विवेलेंट है 3/2 का है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 3/2 ही आएगा है ना, इसको 3 से काटोगे तो 3/2 आ जाएगा, इसको भी काटोगे तो 4 से काटोगे तो 3/2 आ जाएगा, मतलब ये सारा का सारा क्या है सर, इक्विवेलेंट रेशियो, क्या कर इक्विवेलेंट सर है कोई भी 3/2 का नंबर इक्विवेलेंट है, क्या कर इक्विवेलेंट है 3/2 का इक्विवेलेंट है ना, मतलब क्या बाबू। सर कोई भी नंबर डाल सकते हैं ना? तो बाबू हाँ 6/4, 9/6, 12/8 और सो ऑन, और भी हो सकता है, करो मन करा 5 से मल्टीप्लाई करना तो ऊपर नीचे 5 से करना है ना, इतना बाबू आर इक्विवेलेंट रेशियो, आर क्या बाबू इक्विवेलेंट रेशियो है, इक्विवेलेंट रेशियो है किसका सर, ऑफ बाबू क्या कर 3/2 का, इसका है 3/2 का, तो यही होता है इक्विवेलेंट और कुछ नहीं होता, लिखिए। हाँ सर और इक्विवेलेंट रेशियोज नहीं हो सकते? अरे मेरे लाल बोले ना बाबू आपको 5/5 से मल्टीप्लाई करना है, 6/6 से मल्टी, शांति से पढ़ाते तो सुनते काहे नहीं हो, सर काहे नेटवर्क बाबू नहीं गप चल करे रहा। सेजल, सेजल काहे गप कर रही हो जी, एक छड़ी हो गया सेजल, सेजल बोली एक छड़ी बाबू,
आज का चढ़ा देते बाबू, गप करने में लगी हुई सब जी, जिंदगी जी रही है। अभी तो हम पढ़ाई करते नहीं करते भी सर जिंदगी ही जी रहे हैं बाबू, सर, हाँ जी, अभी जिंदगी ही हम जी जिंदगी काट रहे हैं सर। मेरे पास सर जिंदगी कुछ क्वेश्चन है सर जो को। मेरे को बनाने नहीं आ रहे, सर मैं आपको भेज दूंगा तो सर आप वो बता देंगे। अच्छा ठीक है, बता देंगे, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, सर जिसको नहीं समझ में आया फिर आ गया से वो सर, अच्छी बात आ है। गया कहाँ गया मेरा एकांत बाबू, एकांत शैतान। यस सर। हाँ तो ये सब बेसिक बेसिक बाबू आप सीखते चलो, ये आपको अभी हम एक्चुअली टर्म्स मेरा एफएम लिए। रेशियो है सर आंसर, सर तो 6:4 उसके बाद 9:6 होगा ना नाइन बाई सिक्स है ना लिखा हुआ है जी। सर, तो रेशियो फॉर्म तो सर 9:6 होता है, ऐसे ना लिखा हुआ, लिखे बाबू मतलब कि सेजल, सर डॉट डॉट वाला। सेजल भोले, आज कई तारीख हो गया जी, 12 2 24, 2024 सर, हाँ एक अस्टिक गप कर रही थी मम्मी से। जरूरी थोड़ी मम्मी से। मेरी कितनी चलो ठीक है, संडे को जब हुई चला। है सर, मेरी कितनी हुई देख के बता दीजिए सर, अच्छा ठीक, हल्ला नहीं सुनील से, हम वीडियो बता ऑन कीजिए, बहुत बता पिटेंगे। दीजिए सर, रोशनी बाबू बताइए ऑन करो, रोशनी ऑन करो, काव्या बाबू मोबाइल घुमाइए, वेरी डन सर। गुड। डन नेक्स्ट बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार सुनेगा, तो जब भी आपको इक्विवेलेंट रेशियो निकालने कहेगा बाबू, तो क्या करना है, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, जो भी आपको मन करे, 5 से मल्टीप्लाई करना तो ऊपर भी 5 से नीचे भी 5 से, तो उसके बाद जो रेशियो आएगा ना सारा का सारा क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेशियो आएगा, है ना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, क्या करना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, है ना। ठीक, जैसे आपको इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, कैसे पूछेगा सर, है ना, ठीक, जैसे कहेगा वो राइट डाउन द 4 इक्विवेलेंट रेशियो, बोला क्वेश्चन नंबर 5 बाबू, राइट डाउन, है ना, राइट डाउन द 5 इक्विवेलेंट रेशियो, 5 इक्विवेलेंट रेशियो, समझ में आ रहा है संस्कृति, बोली इक्विवेलेंट हाँ रेशियो ऑफ 7/3, 7/3 का 5 को इक्विवेलेंट रेशियो निकाला, तो मेरा बच्चा डरेगा नहीं डरेगा, काले डरेगा, 7/3 लिखेगा और जो फोर्टीन बाय मैंने वो मल्टी, सिक्स है ना, तो मान लो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी, 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी, तो कितना हो जाएगा, 14/6 पहला हो गया। नेक्स्ट बाबू, बच्चा मेरा डरेगा नहीं डरेगा सर, 7/3 है, जो मन है ऊपर से मल्टीप्लाई करो, सेम ही नंबर से ऊपर नीचे, 3 करेगा तो नीचे भी 3 हो जाएगा, 21/9 है ना। हाँ सर, ये तो बात सही है कि नहीं, नैतिक समझ में आ रहा बाबू, क्या नैतिक बोला, यस नैतिक, सर। हाँ, तो ये सब आपको बेसिक टर्म हम फेमिलियर करवा रहे हैं ना, बेसिक टर्म की रेशियो क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, ये सब बेसिक बेसिक थोड़ा थोड़ा सा बेसिक सीख लो, फिर इसको डिटेल से हम लोग डीप में चलेंगे, एक साल में 1 महीना ऐसे हम लोग करते हैं, 11 महीना आपको पढ़ा दिए ना अच्छे से जी, पूरा कंप्लीट करके, अब थोड़ा सा बेसिक बेसिक सीख लो, कितना से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे सेम नंबर से, ये हो गया सर फोर, ट्वेंटी 5 फाइव सर, को लिखे नेक्स्ट कारण, 35/15 मेरा बच्चा अब लिख लेगा कि हाँ जी सर, अभी इतने दिन सर, बचे सर, नेक्स्ट है हमारे पूरे 14/18, सर चलो लिखे बाबू। पांच तो 42/18 अच्छा भी होगा अच्छा ठीक है, लिखे 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 लिखे, सर, हाँ जी बोलिए ना जी, संस्कृति, 42/18 सर, अच्छा मैं ठीक, तो बोलने जा रही हूँ, कौन बीच में बोल रहा है पता नहीं। अच्छा ठीक है, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, हाँ जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, सर
डन। इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आई सर सब सर, लोग हैं। हाँ सर, सर तो बोलिए जी। सर हमारी तो 27 से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे सर, लेकिन पहले पेपर तो मैथ्स नहीं है सर, वो जीके और कंप्यूटर है। सो सर उसके प्रिपरेशन के लिए तो सर फिर क्लास तो मैं नहीं ज्वाइन कर सकती, तो सर फिर मेरा मैथ्स का रिवीजन कैसे होगा? अरे तो एक दिन ना पेपर है जी, एक दिन ना ज्वाइन नहीं करो, एक उस दिन छुट्टी दे देंगे, दिक्कत क्या है, बाकी दिन कीजिएगा, एक दिन तो नहीं पेपर। दो तीन पेपर है। सर अच्छा ठीक है, आप फोन पे बात कर लीजिएगा, ठीक है ना, दिक्कत मत कीजिए। आप लास्ट में आई हो बोली तो थोड़ा सा तो ये दिक्कत हो ही जाता है, जो पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, वो टेंशन क्यों लेती हो, जल्दी लिखिए इसको। सर ऑलरेडी सर 2 मिनट डन सर आप पे ना नेक्स्ट, एक कंसेप्ट सीखना। सर दो मिनट होमवर्क दे दीजिए सर, एक अरे शैतान, एक कंसेप्ट सीखो, होमवर्क दे दीजिए। अच्छा टाइम हो गया सर, सर 55 हो गया सर, हल्ला नहीं, DIY फिफ्टी अच्छा ठीक है। फोर हुआ है। इफ एक कंसेप्ट सीखो, इफ ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी आर इक्विवेलेंट, अगर दो प्रोपोर्शन रेशियो आपस में, हाँ दो रेशियो आपस में इक्विवेलेंट है तो वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और इफ इक्वल ए में रेशियो बी एंड क्वेश्चन सी रेशियो डी आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट रेशियो, इक्विवेलेंट रेशियो, मन से पढ़ते चलना है, कहते इक्विवेलेंट रेशियो, देन इट विल अगर बी ई दोनों, ई दोनों आपस में इक्विवेलेंट है तो क्या होगा, ए बटा बी रेशियो को क्या करोगे, ए रेशियो बी, ऐसे भी कर सकते हो, अगर इक्विवेलेंट है तो ए रेशियो बी और सी रेशियो डी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। दो इक्विवेलेंट रेशियो, अगर दो अगर रेशियो आपस में क्या इक्विवेलेंट है तो दोनों के दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब क्या करेंगे सर, ए बटा बी बराबर क्या करेंगे, सी बटा डी, है ना। नेक्स्ट बोलना, नेक्स्ट बोला, क्वेश्चन नंबर कई का नंबर होगा जी, 6 नंबर जी। सर इफ बाबू जैसे 6:5 एंड बाबू ए रेशियो मान लो 3 है, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, ये कितना करोगे, 10 कर दो तो मर जाएगा ना दो बार में, हाँ आर इक्विवेलेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, देन फाइंड द बनाना वैल्यू, कैसे है सर? बता रहे हैं, देन फाइंड द वैल्यू, फाइव सर, फाइव सर 12 वैल्यू आएगा ऑफ, लिखिए समझाते हैं, सर, आंसर 12 आएगा। बता रहे हैं बता रहे हैं बता रहे हैं, जल्दी लिखिए। अरे 12 इज इक्वल्स ए का वैल्यू 12। दो तीन क्लास में इसको आप लोग को खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद परसेंटेज है वैल्यू में, 10 दिन 20 दिन में तो सब खत्म हो जाएगा, टेंशन क्या लेना जी, हम लोग थोड़ा सा तेजी से पढ़ेंगे, आप लोग तेजी से लिखे है ना, समझते चलिए। हाँ सर कैसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाना है, पता है अल्लाह नहीं क्या करा बाबू, 6:5 सॉल्यूशन, क्या इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट है तो इक्वल टू देंगे, क्या देंगे, ए रेशियो 10, सर, है ना। लेकिन इक्वल टू को तो उसमें चार डॉट लिखते हैं ना। अच्छा आएगा आएगा, प्रोपोर्शन में आएगा, अभी जो सिखा रहे सीखे, ठीक। नेक्स्ट, अब 6:5 को कैसे भी बताएं, 6/5, हाँ सर, ए रेशियो 10 को कैसे बताएं, ए बाई 10, हाँ सर, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर लूट लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये बताएं ना,
हाँ सही, तो सर सोल्व करे ला बचपने में सिखाए थे, इसीलिए आप लोग को जो भी सिलेबस बना के दिए थे ना वो एकदम सीक्वेंस ऑर्डर में, सबसे पहले बेसिक मैथ, उसके बाद आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, फिर अलजेब्रा अलजेब्रा। सिलेबस है ना, सिलेबस दिया ना, तो वो बेसिक सीक्वेंस ऑर्डर में है, उतना पढ़ोगे तो आपका बाबू आगे देखो अभी यूज हो गया ना, ये इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो। 60। सर ये तो कॉम्प्लिकेटेड मैनर है सर, दूसरे वाले मेथड से नहीं कर सकते। फाइव अच्छा ठीक है, 5 को इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5A हो गया, 6 बाबू इसको ऐसे कर सकते, अब 5A है ना, या 5A को फिर इधर लाओगे तो डिवाइड हो जाएगा है ना भोला, 5A को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 6 × 10 ये मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, बराबर सर ए हो अलजेब्रा जाएगा। भी लग गया है सर। मार दो 5 से 10 2 टाइम तो कितना हो जाएगा, 12। 12, तो ए बराबर कितना हो गया, 12 हो गया, तो यही आपको करना था, इसीलिए ए की वैल्यू कितना हो गया, 12, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे 12 रखोगे तो आपका ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाएगा। लिखिए इसको क्रॉसवर्ड, मतलब इसको हाँ, क्रॉसवर्ड क्रॉस फिगर। क्रॉस क्रॉस मल्टी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हाय करना है, सर, ओके थैंक यू सर। ऐसे तो होमवर्क दे भाई साहब सर तो तेरा। दीजिए ना ऊपर में। हाँ सर लिखिए सर, इज इक्वल टू 5 × 8 लिखा है ना सर, ऊपर बाबू, ऊपर में दीजिए। अच्छा ठीक है, आप लोग बाबू सुबह 5 बजे आओगे कि शाम को 5 बजे आओगे, कब आना पसंद करते हो? शाम को 5 बजे शाम 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 को सर, शाम को सुबह शाम सर, को सुबह शाम सुबह को शाम को पहले सर, बाय सर, कल आइए ना बाबू, कल पहले उठने की तो कोशिश कीजिए, सब आएगा तब ना जी, कौन कौन नहीं उठता बाय देखते हैं, कौन सर। कौन आता।